वेलकम टू दिव्या शर्मा फार्मेसी चैनल अगेन। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं हैमर मिल के बारे में, जो कि साइज़ रिडक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है या कह सकते हैं इक्विपमेंट है। इसकी हेल्प से हम इजी तरीके से साइज़ को रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि ये फुली इनक्लोज्ड इक्विपमेंट है, राइट। सो जैसे कि हम जानते हैं कि साइज़ रिडक्शन में वेरियस मैकेनिज्म या वेरियस मेथड्स यूज़ होते हैं, लाइक कटिंग, कंप्रेशन, इम्पैक्ट एंड इटरेशन, राइट। तो बॉल मिल और फ्लूड एनर्जी मिल के अंदर दो आपके मेथड्स एक साथ लग रहे थे, जिसकी वजह से आपका साइज़ रिडक्शन जो है वो इजी तरीके से और मैक्सिमम तरीके से हो रहा था। जैसे कि इम्पैक्ट एंड एट्रिशन, ये दोनों ही मैकेनिज्म आपके उन इंस्ट्रूमेंट्स में लगते हैं, लेकिन हैमर मिल जो है उसके अंदर सिर्फ एक ही प्रिंसिपल जो है वो वर्क करता है, दैट इज़ इम्पैक्ट। सो मेन प्रिंसिपल ऑफ दिस हैमर मिल इज़ First of all, I have to write this hammer mill. So, principle, main principle of hammer mill is impact. Now, you already know what is impact. Impact means one thing is constantly moving and other material or powdered material is strike onto that or hit by that object and convert into the pieces, right? So, this is the method of impact. यानी कि एक जो instrument है आपका, ये एक कह सकते हैं ये objects हैं आपके जो कि high speed पर rotate करेंगे और जो आपका particle है वो इनसे टकरा के या वॉल से टकरा कर अपना साइज़ जो है वो कम कर लेता है, क्योंकि वो टूट जाता है, राइट, ब्रेक डाउन हो जाता है उसका इनटू द पीसेस। सो प्रिंसिपल जो है हैमर मिल का वो सिर्फ और सिर्फ इम्पैक्ट है। नाउ बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में कि इसमें क्या क्या पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। सो कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें, या आप डायग्राम देख रहे हो, ये है आपकी स्क्रीन जहाँ से आपका आउटलेट, ये आउटलेट भी इसको हम बोल सकते हैं क्योंकि यहीं से आप अपने प्रोडक्ट को, फाइनल प्रोडक्ट को कलेक्ट कर दोगे जब उसका रिडक्शन कम्प्लीटली हो जाएगा, मींस वो फाइनल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगी, तब आप इस स्क्रीन से उनको निकाल सकते हो। तो एज अ आउटपुट भी ये काम कर रहा है, राइट। नाउ दिस इज़ योर इनलेट। इनलेट मींस जहाँ से आप अपने मटेरियल की एंट्री करवा रहे हो, जहाँ से आपको एंटर करवाना है अपना मटेरियल। ये जो है एक सेंट्रल शाफ्ट है, इसकी हेल्प से ही ये जो आपके ब्लेड्स हैं, या इनको हैमर्स कहते हैं क्योंकि इसी के ऊपर से इसका नाम पड़ा है हैमर मिल, क्योंकि ये क्या है, ये आपके हैमर्स हैं। 4 to 5 ये हैमर्स लगे होते हैं जो कि सेंट्रल शाफ्ट से कनेक्टेड होते हैं, और ये सेंट्रल शाफ्ट हेल्प करता है कि ये मूव करें। तो सेंट्रल शाफ्ट पे आपकी मोटर कनेक्ट होगी जो कि इनको मूवमेंट प्रोवाइड करेगी। तो ये जो हैमर्स हैं, ये आप समझ ही गए होंगे, ये हैं हैमर्स, राइट। तो ये है आपका नॉर्मल स्ट्रक्चर जो है हैमर मिल का। ये स्क्रीन है आपकी, ये इनलेट है जहाँ से फीड एंटर करवाएंगे, ये हैमर्स हैं जो सर्कुलर मोशन में रोटेट करेंगे, और ये आपका सेंट्रल शाफ्ट है जिससे ये हैमर्स कनेक्टेड हैं, राइट। सो दिस इज़ योर कंस्ट्रक्शन। नाउ कमिंग टू द वर्किंग पार्ट। वर्किंग मीन्स कैसे काम कर रहा है। अब वर्किंग के अंदर हम इनलेट के थ्रू अपना पाउडर्ड मटेरियल एंटर करवाएंगे। एंटर कराने पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो सेंट्रल शाफ्ट की हेल्प से ब्लेड्स लगे हुए हैं, हैमर्स लगे हुए हैं, ये बहुत हाई स्पीड पे रोटेट होंगे। ये पूरी असेंबली को हम बंद कर देंगे। एक बार जब हमने अपने मटेरियल को हॉपर के थ्रू या फिर किसी भी चीज़ के थ्रू इनलेट की हेल्प से एंटर करवा दिया है, उसके बाद आप इस इंस्ट्रूमेंट को, ऐसे इक्विपमेंट को बंद कर दोगे। बंद करने के बाद आप इसको ऑन करोगे और मतलब जो उसके अपर लिड है वो क्लोज कर दोगे, और उसके बाद उसका स्विच ऑन करोगे, तो जो सेंट्रल शाफ्ट है वो वर्किंग मोशन में आ जाएगी और ये हैमर्स को रोटेट करेगी। जब ये हैमर्स को रोटेट करेगी तो इम्पैक्ट मैकेनिज्म यहाँ पे लगेगा कि जो भी आपका पाउडर्ड मटेरियल है, यानी कि जो भी आपके पार्टिकल्स हैं, वो क्या होंगे, वो इस हैमर से, इस ब्लेड से या फिर इन वॉल्स से टकराएंगे, ऐसे ऐसे मूव करेंगे और आपस में भी, और इन हैमर से टकराएंगे और कन्वर्ट होंगे इनटू द स्मॉलर पीसेस, ब्रेक होंगे इनटू द स्मॉलर पीसेस, और उसके बाद एट लास्ट यहाँ स्क्रीन पे इकट्ठे हो जाएंगे। तो जब आप इसको बंद करोगे तो आप देखोगे जितने भी पार्टिकल, जिनका रिड्यूस हुआ है पार्टिकल का साइज़, वो इस स्क्रीन पे कलेक्ट हो जाएंगे। अब इस स्क्रीन पे कलेक्ट होने के बाद ये स्क्रीन हम निकालेंगे और उसके बाद अपने पाउडर मटेरियल, जो भी हमारा साइज़ रिड्यूस हुआ है उन पार्टिकल्स का, वो हम अलग से कलेक्ट कर लेंगे। अगर उनका पार्टिकल साइज़ मैक्सिमम, जितना हमें डिज़ायर्ड साइज़ चाहिए, उतना अचीव नहीं हुआ है, तो आप दोबारा से इस इंस्ट्रूमेंट को रन कर सकते हो, राइट।
ये है आपका सिंपल सा प्रोसेस हैमर मिल के अंदर। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि हम इसके अंदर बहुत अच्छे पार्टिकल्स जो हैं प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि ये अच्छे से काम कर सकता है। दूसरा इसका जो है फ़ायदा ये है कि इसके जो हैमर्स हैं वो जाम नहीं होते हैं, क्योंकि ये रिमूवेबल हैं। एक बार आप रिमूव करके क्लीन करके आप इनको दोबारा से लगा सकते हो, तो जाम नहीं होते हैं, तो जामिंग की प्रोसेस इसके अंदर नहीं आती हैं। लेकिन इसके साथ डिसएडवांटेजेस भी हैं कि जब ये बहुत हाई स्पीड पर रोटेट करेंगे, ये हैमर्स, ये ब्लेड्स बहुत हाई स्पीड पर रोटेट करेंगे, तब इनके बीच में बहुत सेंट्रिफ्यूगल फोर्स हाई अमाउंट में प्रोड्यूस होगी। हाई अमाउंट में जब सेंट्रिफ्यूगल फोर्स लगेगी पार्टिकल्स पे, तो हीट प्रोड्यूस होती है। जैसे आप कहीं की बार मिक्सी भी देखते हो, तो मिक्सी में भी जब आप अपना मसाला ग्राइंड कर रहे होते हो, तो उसके अंदर भी गर्म आपको लगने लग जाता है वो जार। वो क्यों है? क्योंकि सेंट्रिफ्यूगल फोर्स अगर ज़्यादा अप्लाई होगी तो हीट ऑटोमेटिकली वहाँ पे प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने की वजह से अगर आपका मटेरियल थर्मोसेंसिटिव मटेरियल है, थर्मोलेबाइल मटेरियल है, तो वो मटेरियल यहाँ ख़राब हो सकता है। तो उसके लिए हैमर मिल जो है वो अच्छी चॉइस नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आप ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं कर सकते हो।